BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज मैं आर्थिक आजादी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आर्थिक आजादी का ख्याल जब भी हमारे दिमाग में आता है, हम सोचते हैं केवल वो ही लोग आर्थिक आजाद हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्थिक आजादी का मतलब होता है कि आज आपकी जो लाइफ में इनकम है, खर्चे हैं, वो आपको अपनी रेजिडुअल इनकम से आने चाहिए, आपकी पैसिव इनकम से आने चाहिए। अगर वो नहीं आते तो आप आर्थिक आजाद नहीं है। आर्थिक आजादी का मतलब सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं, आपने अपनी एक्टिव इनकम से जो प्रॉपर्टी बनाई है, FD बनाई है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, ये लाइफ इंश्योरेंस की एन्युटी प्लान में इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट की है, प्रॉपर्टी से आपको रेंट आया, FD से आपको ब्याज आया और इक्विटी से आपको डिविडेंड आया, एन्युटी से आपको पेंशन आई। अगर ये सारी चीजों को मिलाकर आपका बेसिक नीड्स पूरी होती हैं तो आप आर्थिक आजाद हो। आर्थिक आजादी का दूसरा मैं यहां पर आपको डेफिनेशन देना चाहूंगा, व्हेन यू गो टू बेड स्माइलिंग एंड गेट अप स्माइलिंग विदाउट द वरीज ऑफ योर बेसिक नीड्स एक्सपेंसेस, देन यू आर ए फाइनेंशियल फ्री। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच यू अर्न, बट इट इज इम्पोर्टेंट हाउ मच यू सेव। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मनी इज इम्पोर्टेंट बट आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ वर्किंग फॉर इट। ये भी इशारा करते हैं कि आर्थिक आजाद जल्दी से जल्दी और कम से कम उम्र में हमें लेनी चाहिए। आर्थिक आजादी का मतलब केवल पैसे बचाने से नहीं है, बल्कि आपको अपनी सेहत को भी मेंटेन करना है, वरना कोई भी बीमारी अगर आपके ऊपर आ जाती है तो वो सारे की सारी पूंजी आपकी खत्म कर देती है। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होना चाहिए और होम इंश्योरेंस होना भी जरूरी है। हमारा सेविंग पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए, 80% हम सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए और 20% एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि नो आइडिया वर्क्स अनलेस यू वर्क ऑन इट। COVID-19 ने हमारे को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि आपकी एक्टिव इनकम हमेशा के लिए सही नहीं है, हमारे पास पैसिव इनकम का होना भी बहुत जरूरी है। लॉकडाउन में जिनके पास पैसिव इनकम थी उनको इस लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक्टिव इनकम जैसे कि बिजनेस सर्विस करने वाले या छोटे छोटे धंधा करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोविड में लोगों ने दिल खोल कर दान भी दिया, क्यों दिया, क्योंकि वो आर्थिक तौर से आजाद थे। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे कार्तिक आर्यन जी ने 1 करोड़ रुपया, कपिल शर्मा ने 50 लाख रुपया, प्रेम आजम जी ने 1100 करोड़ रुपया, रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपये PM रिलीफ फंड में डाले, क्योंकि वो लोग आर्थिक तौर से आजाद थे। हमें अपनी अर्निंग स्टेज में सीखना चाहिए हाउ टू अट्रैक्ट मनी, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई मोर मनी एंड हाउ टू एंजॉय विद दिस मनी। मेरे पास आप लोगों के लिए एक ऑफर है, अगर कोई भी इंसान मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करना चाहे तो वो कर सकता है और उनको मैं फ्री एडवाइस करूंगा, क्योंकि मेरा 35 साल का LIC में एज चीफ एडवाइजर एक्सपीरियंस है और मैं हमेशा लोगों के लिए से 10,000 रुपये लेता हूं अगर कोई मेरे से फाइनेंशियल एडवाइजरी लेता है, तो आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल फ्री एडवाइस करूंगा। धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।